हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजवीर फ्रॉम ईएमई टेक्नोलॉजी मोहाली। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्पोजिशन एंड एग्रीगेशन को कैसे यूज करते हैं पीएचपी में, कि कॉम्पोजिशन क्या होता है और एग्रीगेशन क्या होता है, ये सब हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इस कंसेप्ट को। तो पहले तो ये जो कॉम्पोजिशन होता है और एग्रीगेशन होते हैं, दोनों हैज आर रिलेशनशिप होते हैं, दोनों हैज के रिलेशन को शो करते हैं। जो होल होल क्लास रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लास एंड इट्स पार्ट, वो सभी जो रिलेशन होता है क्लास का और उसके क्लास के अंदर जो पार्ट होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके रिलेशनशिप को भी शो करते हैं। इन दोनों में हैज रिलेशनशिप में कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन आता है। कॉम्पोजिशन क्या होता है, मेन कंसेप्ट होता है हमारे पीएचपी का, जो डिजाइन पैटर्न एन ऑब्जेक्ट क्लास एन अदर ऑब्जेक्ट को शो करता है, कि हमारे जो डिजाइनिंग पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और अदर ऑब्जेक्ट को कैसे वर्क करेगा। एग्रीगेशन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट को कंपोज करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में। जो हमारा एग्रीगेशन होता है वो अकर्स होता है जब जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है कंपोज हो रहा होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में। जो हमारी कंपोजिशन होती है वो फैक्ट्री एंड ओनरशिप रिलेशनशिप होता है, और जो एग्रीगेशन होता है हमारा कंटेन रिलेशनशिप होता है। वो कंटेन रिलेशनशिप इसलिए होता है क्योंकि वो अक्सर ही उस समय होता है जब हमें कंपोज करनी होती है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, और कैसे यूज करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ देखिए कि कंपोजिशन क्या है, जो हमने ऊपर देखा है कि जो कंपोजिशन है वो ऑनरशिप रिलेशनशिप होता है, वो अपने आप में रिलेशनशिप होता है। यहाँ मैंने देखा कि वो खुद का है, और जो एग्रीगेशन है वो होल का है, कंपोजिशन का भी और ऑनरशिप का भी। और जो एसोसिएशन होता है वो दोनों का होता है, कंपोजिशन और एग्रीगेशन का। तो जो कंपोजिशन होता है बेसिकली उसमें क्या आता है, जो हमारा पार्ट ऑफ रिलेशनशिप आता है, मीन्स जो हमारा कंपोजिशन होता है उसमें हम पार्ट ऑफ रिलेशनशिप को यूज करते हैं। आगे आता है कंपोजिशन बोथ एंटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और जो हमारी ये होती है कंपोजिशन होता है उसमें क्या होता है, दोनों एंटिटीज आती हैं डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो डिपेंडेंट होती है और ईच एक दूसरे पर होती है। अगेन आता है हमारा एग्रीगेशन, और जो एग्रीगेशन होता है हमारा हैज अ रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या होती है अनडायरेक्शनल एसोसिएशन, जैसे कि वन वे रिलेशनशिप होता है कि ऑब्जेक्ट पे देखा है हमने, जैसे यहाँ दिखाया था ऊपर मैंने, कि जो एग्रीगेशन होता है अक्कर कब होता है, जो जब ऑब्जेक्ट इज कंपोज ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, जब एक ऑब्जेक्ट कंपोज हो रहा होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में, तब हम यूज करते हैं एग्रीगेशन को। तो ये था एग्रीगेशन और कंपोजिशन। हमारा कंपोजिशन एग्रीगेशन दोनों हैज अ रिलेशनशिप होते हैं, बट द मेन कंपोजिशन यही होता है कि कंपोजिशन होता है वो पार्ट ऑफ रिलेशनशिप होता है, और जो एग्रीगेशन होता है मतलब पार्ट होता है उसका, जो हमने यूज करने होते हैं ऑब्जेक्ट उनका। तो जो चलिए अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में हमने पहले क्या किया है, पहले हमने एक क्लास ली है ऑथर, इसके दो वेरिएबल्स लिए हैं, और दोनों को ही हमने क्या किया है प्राइवेट किया है। यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल्स को प्राइवेट किया है, और इसमें जो फंक्शन लिया है कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्टर लिया है, उसमें हमने दो वेरिएबल्स को पास आर्गूमेंट्स को पास किया है। ये आर्गुमेंट्स हम थ्रू ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो हमने नीचे बनाए हैं हमारी क्लास के। यहाँ पे हमने क्या किया है, दिस को यूज करके यहाँ से जो हमारी इस क्लास के जो आर्गुमेंट्स हैं उनको वैल्यूज पास करेंगे थ्रू द दिस कीवर्ड। दिस का यूज मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है। देन अगेन मैंने इसी क्लास में एक फंक्शन लिया है गेट, जो वैल्यू नीचे जो हमारी नीचे क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, उस क्लास को वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी गेट हो जाएंगी। यहाँ गेट होने के बाद वो शो करेगा हमारे मेथड के ऑब्जेक्ट के थ्रू, यहाँ से वो रिटर्न होगी दिस नेम से, दिस कीवर्ड से। देन अगेन हमने यहाँ पे क्या किया है, एक ईमेल ली है फंक्शन, इसमें क्या होगा, पहले में वो नेम नेम को रिटर्न करेगा, यहाँ से हम वो ईमेल को रिटर्न करेगा।
देन अगेन आती है बुक, ये हमने अगेन क्लास ली है, इसमें भी क्या किया है हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को लिया है, वो सभी वेरिएबल्स हमने प्राइवेट लिए हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर लेंगे, उसमें वैल्यूज को पास करेंगे आर्गुमेंट को नीचे, जो हमने बेस क्लास के वो बनाए होंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको आर्गुमेंट्स जो है पास करेंगे। यहाँ पे मैंने दिस लिया, दिस के थ्रू हमने नाम को पास किया, देन प्राइस को किया, इसी से ही हमने उनको सेट किया है। दिस प्राइस को प्राइस पास करेंगे हम, प्राइस की वैल्यू को नीचे से आर्गुमेंट से। देन अगेन हमने क्या किया है, एक फंक्शन या गेट यहाँ पे सेट, पहले सेट हो जाएंगी, देन गेट करने के बाद वो रिटर्न करेगा वैल्यू हमारे ऑब्जेक्ट को। देन हमने नेम को किया ऐसे ही, पहले प्राइस को किया, अब नेम को किया। देन इसी में ही हमने एक फंक्शन लिया है एड ऑथर, ऑथर में क्या किया है उसका नेम और उसकी आईडी ली है। दिस से उसको भी हमने क्या किया है, एक एरे में लिया है कि हम मल्टीपल ऑथर्स को असेस करवाएंगे, इसलिए हमने एरे में लिया है उसको, कि यूजर कितने भी ऑथर्स को ऐड कर सकता है, उन दोनों को, उन जितने भी ऑथर को ऐड करेगा उनके नेम और ईमेल हमें शो हो जाए, तो इस फंक्शन से करेंगे। देन उसने एक हमने एक फंक्शन लिया है गेट ऑथर, उनकी वैल्यूज को गेट कराने के लिए, वो रिटर्न कर देगा उनकी वैल्यू को। देन लास्ट में हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, जो हमारी बुक क्लास, जो हमारी फर्स्ट क्लास है, उसमें क्या था, हमने दो पैरामीटर्स दिए थे, बुक का नेम उसका प्राइस, यहाँ पे हमने दोनों दे दिए। देन उसी उसमें हमने जो ऑथर वाला फंक्शन था उसमें भी हमने दो लिए थे, वो उसका नेम आ जाएगा और देन उसकी ईमेल आ गई। देन हमने एरे लिया था इसलिए हम मल्टीपल ऑथर्स ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने सेकंड को ऐड किया है। अगर बुक का प्रिंट करवाना हो इन्फो, उसका नेम, उसका प्राइस, उसके लिए हमने उन दोनों मेथड्स को कॉल किया। यहाँ पे क्या किया है, उस ऑथर को बुक में डाला और यहाँ पे उनको फॉर ईच कंडीशन से चेक किया और उनको गेट करवाया और प्रिंट करवाया। ये था हमारा कि कंपोजिशन कैसे हो रहा है। कंपोजिशन हो रहा है हमारा कि मल्टीपल हैज अ रिलेशनशिप है सभी में, और यहाँ पे हमने लास्ट में उनको प्रिंट करवाया है। तो चलिए इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, पहले उसने बुक का नेम को प्रिंट करवाया, बुक का नेम, देन नेम आ गया, ईएमई टेक्नोलॉजी, उसकी आईडी आ गई, देन अब दूसरा आ गया हमारा नेम, ऐसे इसमें हम आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दो पास किए थे, देखिए पहले ये और सेकंड में हमने शिफ्ट किया था, तो ये दोनों को उसने शो कर दिया हमारी स्क्रीन पर, यहाँ पे शो कर दिया, पहले सुनील, देन उसकी ईमेल आईडी, अगेन हमने किया था तो उसकी ईमेल आईडी, कंपोजिट हो रहा है दोनों को। अगेन आता है हमारा एग्रीगेशन, कि एग्रीगेशन में क्या होता है, एग्रीगेशन में क्या होता है, हमने एक क्लास ली है सेम, उसमें दो वेरिएबल्स लिए हैं जो हमारे ये हैं, प्राइवेट रखा उनको, भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, दिस पॉइंट पर से उनको वैल्यूज को असाइन किया है। अगेन हमने क्या किया है, एक फंक्शन लिया है गेट नेम, जो हमारी वैल्यूज को गेट करेगा, ईमेल को गेट किया है, और एक और हमने क्लास ली है उसमें भी हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं, जिनको हमने क्या किया है, प्राइवेट रखा है उनके वेरिएबल्स को, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उनको आर्गुमेंट पास की है तीन, और दिस ऑपरेटर से उनको हमने सेट किया है, सेट किया है यहाँ पे अकेले अकेले को, देन गेट करवाया है हम तीनों की वैल्यूज को, यहाँ पे सभी के नेम को गेट करवाया है, ऑथर को भी। ये यहाँ पे हमने क्या किया, उन दोनों को ये तीन हमने तीन दिए थे, तो पहले हमने दो आर्गुमेंट दिए थे हमने बेस का, बेस में दोनों को पास किया, देन यहाँ पे हमने दिस ऑपरेटर से उसको ऑथर को उसके साथ प्रिंट करवाया, देन उनके हमने मेथड थे उनको प्रिंट करवाया है। इससे यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को, जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कर, जैसे ये फंक्शन था पहले हमारा, तो इस फंक्शन में हमने क्या किया है, पहले ऑथर को, देन उसके साथ ही हमने क्या यूज किया है, अनोदर फंक्शन जो हमारा था गेट नेम, ये दोनों को हम पॉसिबल करते हैं एग्रीगेशन में। तो ये था हमारा कंसेप्ट कि एग्रीगेशन कैसे होती है, हम ऑब्जेक्ट के साथ उसको
जब को पास करते हैं वैल्यू। यहाँ हम दोनों जब को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये थी एग्रीगेशन। चलिए इसकी सेव करते हैं, और यहाँ पे इसकी, यहाँ देखिए हमने दोनों के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था कि बुक नेम दिस और ईमेल टेक्नोलॉजीज एट आई जी मेल डॉट कॉम। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट कि एग्रीग्रेशन और कंपोजिशंस कैसे होती है हमारी पीएचपी में। अगर आपको इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल दिस ईएमई टेक्नोलॉजी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।